अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग के CS 619 की सीरीज़ चल रही है, तो उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को गाइड किया था किस तरीके से आप अपना SRS डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। सबमिट करवाने के बाद दो चीज़ें आएंगी, या तो आपका कंप्लीट हो जाएगा या फिर आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो आज हम वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट सबमिट किया था SRS का, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मार्क एस कम्प्लीटेड। इसका मतलब क्या है कि मुझे अब कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ऐड कर दूँ कि लेट सपोज़ करें कि अगर मेरा कंप्लीट नहीं होता तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता। आप देख सकते हैं, आपने फाइल सबमिट कर ली। सबमिट करने के बाद यहाँ आ रहा था नॉट येट चेक, ठीक है। आप एक्सटर्नल ने चेक किया, चेक करने के बाद उसने यहाँ पे आपको दे दिया रीड कमेंट्स। यहाँ लिखा हुआ है नीड इम्प्रूवमेंट। नीड इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि आपने फाइल सबमिट कर दिया, अब आपने दोबारा चेंजेस करनी है। चेंजेस करने के बाद दोबारा सबमिट करवाना है। नीड इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, अब आपने क्या करना है, आप रीड कमेंट पर क्लिक करेंगे। कमेंट लिखा होगा उसको आप रीड करेंगे, और रीड कमेंट करने के बाद आप एडिटेड फाइल पे आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। अब आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसके अंदर चैनल ने कमेंट किए होंगे, वो आपने चेंज करने हैं। चेंज करने के बाद आपने दोबारा जाना है, सबमिट करवा देना है। सबमिट करने के बाद दोबारा एक्सटर्नल लिखा हुआ आएगा नॉट चेक यट, फिर दोबारा चेक करेगा। अगर फिर कुछ चेंजेस करनी होगी तो दोबारा यही लिखा हुआ आएगा रीड कमेंट, कमेंटेड फाइल, नीड इम्प्रूवमेंट। और अगर इनकेस वो कहते हैं नहीं कि आपका आप सही है, तो फिर इस तरीके से आपका लिखा हुआ आ जाएगा मार्क एस कम्प्लीटेड, ठीक है। तो इत्तेफाक की बात है कि फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही इन्होंने कोई एरर नहीं दिया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मार्क एस कम्प्लीटेड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करें, तो आपने सबसे पहले चीज़ गौर करनी है, ये है आपकी फाइल जो आपने सबमिट की थी किस डेट को की थी। वहाँ डेट भी लिखी हुई है, मैंने 3 जुलाई को मैंने सबमिट की थी और मेरी आखिरी डेट थी 5 जुलाई, ठीक है। तो यानी कि एक दिन मैंने पहले ही कर दी सबमिट, ठीक है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है रीड कमेंट। सबसे पहले क्या करना है, रीड कमेंट पर क्लिक करना है। कंप्लीटेड तो हुआ हुआ है, लेकिन देखें कुछ ना कुछ यहाँ लिखा हुआ, आप पढ़ लें कि यहाँ लिखा, मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है रीड इंस्ट्रक्टर कमेंट। तो पढ़ना लास्ट में कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर ने आपको बात कही हुई है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा रीड कमेंट पर। देखें यहाँ लिखा हुआ है इंप्लीमेंट द कमेंट चेंज इन द फाइनल PPT, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट द कमेंट, यानी कि एक्सटर्नल ने आपके फाइल में कुछ कमेंट किए हैं, उसको आप जाके देखें और चेंज करें। और लिखा हुआ है कि चेंज इन द फाइनल PPT। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर दो, चेंज इन फाइनल PPT, यहाँ पे जो आप लोगों को चेंज करने को कहा है, वो आपने कहा है कि अभी आपने करना है और सबमिट करवाना है, ठीक है। और इसमें जो है यानी कि जब आप लोग, मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, फाइनल PPT मीन्स यानी कि SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट प्रोटोटाइप फेस और फाइनल डिलीवर। जब यहाँ जब सबमिट करवाऊँगा तो ये सारी एक साइज फाइल कंबाइन होगी, यानी कि आपने 4 स्टेप में जाके आपने सारी चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल ने मुझे इस चीज़ का फेवर दिया कि माइनर से चीज़ें हैं वो आपने अभी सबमिट नहीं करवाया, मैं आपको सबमिट कर रही हूँ। क्या पता है कि लास्ट डेट थी 5 जुलाई, तो इस वजह से एक्सटर्नल ने अगर कोई इशू नहीं किया, और गलती भी इतनी नहीं थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या गलती थी इसके अंदर। तो इन्होंने एक चीज़ फेवर मुझे ये दी कि आप फाइनल डिलीवरी जब करवा जाओगे तो आप उस वक्त ये छोटे मोटे चेंजेस करके मुझे सबमिट करवा दिएगा, ठीक है। अब चलते हैं फाइल की तरफ। देखिए एक कमेंटेड फाइल है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो फाइल है जब एक्सटर्नल कमेंटेड की होगी वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ये कौन सी फाइल है, ये वाली फाइल है जो आपने यहाँ पर डाउनलोड की थी और एक्सटर्नल ने ओपन की, एडिट की और अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद उसका नाम आ गया कमेंटेड फाइल, आपने क्लिक किया, यहाँ डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब मैं इसको खोल लेता हूँ और यहाँ जैसे ही ओपन करूँगा थोड़ा सा इंटरफेस का चेंज आएगा। आप राइट साइड पर देख सकते हैं, यहाँ एक्सटर्नल का नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप इस पर होवर करते हैं एरो पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ July 7 को मैम ने मेरी फाइल चेक की। इस तरीके से आप, मैंने कब सबमिट की थी फाइल, मैंने की थी 3 जुलाई को सबमिट की थी, और आप देख सकते हैं कि फाइल में मैम ने 7 जुलाई को कमेंट किया। इसका मतलब कि 7 जुलाई को मेरी मैम ने फाइल चेक की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिप्लाई करना चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं करना है, आपने पूरे चेंजेस करनी है इसके अंदर। तो जैसे ही मैं होवर करूँ तो देखें यहाँ लिखा हुआ है कि मैम ने इस पर कुछ कहा है सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तो मैम बोल रही हैं यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी, ठीक है। इतने की बड़ी चेंजेस हैं, ये माइनर से चेंजेस हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैम ने क्या किया कि मुझे फेवर ये दे दी कि आप बस सही, आप जब फाइल डिलीवरी करवा रहे हो तो उस वक्त सबमिट करवा देगा। सिर्फ यहाँ मैम ये कह रही कमेंट में, आपने यहाँ पे इसका नाम रखना है सिक्योरिटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टोटल कितने कमेंट है, एक कमेंट तो ये हो गया। अब देखें दूसरे कमेंट में क्या कह रही मैम, देखें मैं इस पर होवर करता हूँ, डिस्प्ले पासवर्ड यूज एक्सटेंड इंस्टेड ऑफ इंक्लूड, ठीक है। तो वो समझाना चाह रही है कि यहाँ पे पासवर्ड पे आपने एक्सटेंड नहीं इंक्लूड यूज़ करना है, तो मुझे चेंज करनी है, ठीक है। इतना बड़ा इशू नहीं, माइनर से चीज़ें। दो कमेंट तो ये हो गया मेरे पास। तीसरा कमेंट मैं, मैम कह रही है मैं होवर करता हूँ, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस मच, ठीक है। इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करना, मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है, ठीक है। आप देखें यहाँ कह रही है मैम, मैडम नॉट द नेम ऑफ एनी मॉडल, इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल एंड सेफ पैरल, ठीक है। तो वही कह रही है कि यहाँ पे आप थोड़े बहुत डेफिनेशन में गलती की हुई है कि ये मॉडल जो है नॉट द नेम ऑफ एनी मॉडल, जैसे कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल। तो ये इस डेफिनेशन में वो कह रही है कि हम हमें थोड़ा बहुत चेंज कर लें कि ये मॉडल इस तरीके का नहीं है, बस डेफिनेशन में थोड़ा बहुत बढ़ेंगे चेंज करना कह रही है मैम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कह रही है इनक्रेट डायग्राम फॉर द प्रोसेस मॉडल, तो डायग्राम थोड़ी बहुत सही नहीं है, ये चेंज करने का है मैम ने, ठीक है। तो ये इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, तो ये
मैम ने कर लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, कह रही है लास्ट में यूज़ HTLC स्टेप्स नेमिंग के अंदर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसके स्टेप्स भी आप मैंशन करें, यानी कि जो HTLC के स्टेप्स होते हैं वो भी आप उसका नेम भी आप मैंशन करें, ठीक है। तो ये टोटल 6 कमेंट है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने लिंक लगाया, मैं बैक टू इंडेक्स पे क्लिक करूँगा, मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा, मैं फ्रंट पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास मार्क्स कंप्लीटेड आ रहा है और मेरे पास आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से आपने चेंजेस करनी है, क्या करूँगा मैं वो चेंजेस चेंज करूँगा और फिर यहाँ पर जाकर दोबारा अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास मार्क्स कंप्लीटेड वो ऑप्शन आ गया है तो मैं अपलोड नहीं कर सकता। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि जब मेरे पास फाइनल डिलीवरेबल आएगा तो फाइल में जाकर वो सारी चीज़ें चेंजेस कर लेनी है और जाकर सबमिट करवा देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए करने लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।